हेलो एवरीवन आज अपन जो मेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अगर नहीं किया ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट तो अभी स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो ठीक है ताकि जब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊं तो वो लंबे समय तक के लिए आपके दिमाग में रह सके चलो तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं अ थीम देखो पतला सा बोला है कि पतला सा कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन एन एन टू जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेरिकल सर्फेस आर इक्वल मतलब अगर राइट साइड right का अगर आर मानते हैं राइट right साइड का आर मानते हैं तो लेफ्ट uh, साइड का भी आर होगा उसके बाद आपको क्या बोला है एफ इज द फोकल टू एन टू इक्वल टू एन जब दोनों इक्वल है एन के बराबर है तो जो फोकल लेंथ होगा इस पूरे लेंस का दैट इज एफ द फोकल एफ प्लस डेल्टा एफ वेन एन वन इक्वल टू एन 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 टू इक्वल टू एन प्लस डेल्टा एन जब उधर साइड वाला लेफ्ट वाला तो एन रहे और ये एन प्लस डेल्टा एन थोड़ा सा ज़्यादा हो, हो तो इसका जो फोकल लेंथ चेंज और एन टू से वन के बीच में है, आपको ये बोला है देन करेक्ट स्टेटमेंट इज और आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है तो देखो

अब ये लेंस जो है उसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहां पर पुट करते हैं। तो ये एफ आ जाता है फोकल, पूरे की पूरे की फोकल आती है। ठीक है? तो, से से तो अपन सिर्फ और सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मुला यूज करने वाले चलो जल्दी से पहले क्या बोला जब एन वन इक्वल टू एन वन एन वन इक्वल टू एन टू इक्वल टू एन है मतलब पूरे का पूरा लेंस एन से बना हुआ है उस समय फोकल लेंथ है एफ ठीक है तो लेट कंसिडर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है आर दोनों तो आप यहां पर क्या फॉर्मला लिखोगे देखो वन अपॉन एफ लेंस मेकर फॉर्मला है प्लाइंग टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन ये वाले सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो सामने होगा कहीं पर राइट right साइड में तो पॉजिटिव तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर लेफ्ट में होगा तो माइनस माइनस आर माइनस इंटू माइनस प्लस आर हो जाएगा तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या बन जाएगा ये आपका अपॉन एफ इज इक्वल टू बन गया चलो इसको एक बार यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं डब्बा बना के सेकेंड वाला देखते हैं आपको क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला जब एन वन इक्वल टू एन टू इक्वल टू एन था तो फोकल लेंथ था एफ अपन ने इक्वेशन बना दी अब आपको बोला है दूसरे केस में कि दो अलग अलग मानो उधर वाला एन वन वाला तो एन है और जो एन टू है वो एन प्लस डेल्टा एन है तो फोकल लेंथ जो है वो एफ प्लस डेल्टा एफ है ठीक है भैया कौन सी बड़ी बात है और बोला है, पास पास में। तो टोटल फोकल लेंथ कंबाइंड कंबाइंड का कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस एफ टू यह एक और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं फॉर्मला के साथ तो देखो टोटल वन अपॉन

Minus 1, अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या एन प्लस डेल्टा एन तो अब क्या लिखोगे एन प्लस डेल्टा एन माइनस वन इन टू वन अपॉन इंफिनिटी दैट इज जीरो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट सरफेस तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी तो वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो माइनस वन अपॉन माइनस आर तो माइनस आर क्यों क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं लेफ्ट में रहेगा ठीक है प्रॉपर साइन के साथ साइन कन्वेंशन यूज करके अपन को पुट करना है आर वन आर टू बताया था ना मैंने तो माइनस इनटू माइनस हो जाएगा ये प्लस तो ये आपके पास आ गया पूरा का पूरा वन अपॉन एफ प्लस डेल्टा एफ देखो इसको और अच्छे से लिखोगे तो अगर वन अपॉन एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल टू म्यू एन अपॉन आर प्लस एन प्लस डेल्टा एन माइनस अपॉन आर तो बेसिकली अगर आप इन पूरे को एड कर दो अपॉन आर पूरे को अगर आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका टू टाइम्स एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन अपॉन आर ठीक है ये आ गया आपका वन अपॉन एफ प्लस डेल्टा एफ थोड़ा सा लेंदी है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है पहले आपको बोला टोटल अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन है तो फोकल लेंथ वन बाई एफ तो अपने लिख दी फिर बोला गया कि नहीं दोनों अलग अलग है पहले वाले का एन और दूसरे वाले का एन प्लस डेल्टा एन और टोटल फोकल लेंथ जो है वो एफ प्लस डेल्टा एफ तो पूरी इक्वेशन लिखी तो अपने पास ही आ गया अब क्या करो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो देखो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा दोनों इक्वेशन को डिवाइड जैसे अगर ये इक्वेशन वन है इक्वेशन टू डिवाइडिंग वन बाई टू वॉट वी आर डूइंग वन डिवाइड बाई टू देन यू वी विल गेट सी एफ प्लस डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू आर और आर काट देंगे एक दूसरे को मार डालेंगे ब, बहरेमी से मार डालेंगे आर और आर तो देखो ये वाला टर्म आ, आपका नीचे चला जाएगा ठीक है और ये वाला टर्म ऊपर रहेगा एन माइनस वन इंटू टू अपॉन टू इंटू एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन आ गया क्या एकदम अच्छे से चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं डेल्टा एफ बाई एफ चाहिए मेरे को तो एफ एफ प्लस डेल्टा एफ बाई एफ है तो क्या उसको वन प्लस डेल्टा एफ बाई एफ लिख सकता हूं मैं सर बिल्कुल लिख सकते हैं तो देखो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं वन प्लस वन तो प्लस डेल्टा एन अब देखो यहां पर ये यह पर प्लस है इसको उधर भेज दू तो किसमें बन जाएगा माइनस वन तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस वन और माइनस वन करना है तो पूरा एलसीएम ही ले लो माइनस ऊपर में चल जाएगा टू एन माइनस वन माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस डेल्टा एन तो देखो ये पूरा टर्म ये पूरा टर्म कट गया तो देखो सिंपल एफ बाई एफ इज योर क्या यह बच गया माइनस डेल्टा एन और नीचे में क्या बच गया टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन प्लस डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन अपॉन नीचे में बच गया टू इंटू एन माइनस वन टू इंटू एन माइनस वन अब यहां से आपके सारे के सारे आंसर आएंगे बोलो यहां तक चमक गया 100% परसेंट पक्का सबको क्वेश्चन अच्छा लंबा था पहले अपन ने क्वेश्चन अपने दो बार लगाया दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो वहां से अपने अब देखो एक ऑप्शन आपका तुरंत आ जाएगा आपको क्या क्या बोला है अगर एन की वैल्यू 1.5 है डेल्टा एन की वैल्यू 10 की पावर माइनस थ्री है और एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो बताओ डेल्टा एफ की वैल्यू क्या होगी अब आपके पास पूरा फॉर्मुला गया तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज पुट कर दो ये जितनी भी वैल्यूज है वहां पर पुट करो देखो एन की वैल्यू वन डेल्टा एन की वैल्यू टेन की पावर माइनस और एफ की वैल्यू ट्वेंटी और एक और एजेंशन देखो डेल्टा एन जो है वो बहुत छोटा है एन माइनस से एन माइनस के टर्म्स में डेल्टा एन बहुत छोटा है इसमें मैंने हटाई दिया यहां पर प्लस डेल्टा एन भी था ना प्लस डेल्टा तो डेल्टा एन बहुत छोटा है कंपेयर टू तो एन माइनस वन तो हटा दो अप्रोक्सीमेटली क्योंकि अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अपन ने उस को हटा दिया अब देखो वैल्यूज पुट करो डेल्टा एफ अपॉन एफ की वैल्यू दी है ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन की वैल्यू दी हुई है टेन की पावर माइनस थ्री मतलब लिख देते हैं टेन की पावर माइनस थ्री अपॉन टू इंटू एन माइनस वन एन की वैल्यू कितनी दी हुई है N की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी हुई तो वन पॉइंट और मॉड की वैल्यू पूछिए डेल्टा एफ मॉड की माइनस थ्री देन इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर यस करेक्ट ये देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट बी ऑप्शन इज करेक्ट समझ में आ रहा है क्या वैल्यूज पुट कर दी पहले अपन ने फॉर्मला निकाल लिया मतलब जो आपका वो आ रहा था एक्सप्रेशन और फिर उसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करी तो एफ इज जीरो पॉइंट जीरो टू सेंटीमीटर करेक्ट अब एक और देखो आपको क्या बोला है डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन चेंज नहीं होंगे अगर कॉन्वेक्स सर्फेस को अपन कॉन्केव सर्फेस से रिप्लेस कर दें सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फॉर्मला में ही नहीं रहा कट गया ना देखो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कट गया था बहरीमी से रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कट गया था रेडियस ऑफ कर्वेचर तो, तो आई नहीं रहा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो 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 अलग से यहां पर कुछ नहीं है डेल्टा एन बाई एन नहीं बन रहा अगर आप इसको डेल्टा एन बाई एन में कन्वर्ट भी करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस एन से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो डेल्टा एन बाई एन ऊपर हो जाएगा अपॉन टू इंटू एन से डिवाइड कर देंगे तो वन माइनस वन अपॉन एन ठीक है बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते आप क्योंकि नीचे में एक एन और आ रहा है अगर वो एन की जगह कोई कांस्टेंट होता तो फिर आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करके बता सकते थे चलो बच गया कौन सा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन डेल्टा एन बाई एन अगर लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो डेल्टा एफ बाई एफ पॉजिटिव होगा एन N N, तो नेगेटिव नेगेटिव की, की वैल्यू जो है वन से टू के बीच में है। देखो सारा एक एक चीज यूज आया क्वेश्चन का पूरा निचोड़ लिया अपन ने एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है वन से टू के बीच में है कि नहीं अब देखो अगर एन की वैल्यू, वैल्यू वन से टू के बीच में है तो वन बाई टू या वन बाई वन वन बाई वन से बड़ी तो वन से हमेशा छोटी होगी तो ये पूरी की पूरी आपकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और ऊपर वाला टर्म हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव इज पूरा का पूरा टर्म आपका बन जाएगा नेगेटिव तो अगर डेल्टा एन बाई एन है पॉजिटिव तो आपका डेल्टा एफ बाई एफ बन जाएगा नेगेटिव तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरे को करेक्ट दिख रहा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए बी एन डी चमका गया अच्छा क्वेश्चन था देखो ये पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से उसी को समझ में आएगा जो पहले अटेम्प्ट किया होगा इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो तो आपको पूरी उसकी नस नस पता होगी हर एक एक चीज की तो फिर आप उसको तुरंत अच्छे से समझ सकते हो जैसे अगर पहली बार में नहीं भी बना तो सर से समझने के बाद आप उसको समझ सकते हो ठीक है क्या चलो तो आई होप कि ये जो आपका सॉल्यूशन था ये आपके सारे डाउट्स क्लियर किया आपके अंदर के जितने भी यू नो डाउट्स के कीड़े थे उन सबको मार दिया है सी यू सुन इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सौरभ सर की क्लास जय हिंद बाय बाय टेक केयर